बागा घुमाना ना मिले आ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा, आज लगी हुई है बारिश। और ये हैं मेरे मम्मी जी। और आगे जो है वीडियो में मम्मी ने गाना भी गाया है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पे बना रहे हैं हम मक्के की रोटी। आज है पंचमी, जो कि गणेश चतुर्थी के बाद आती है। तो इन मक्के की रोटी से हम बनाएंगे चूरमा। और इस पे तवे पे ही हम इसको घी लगा देंगे मक्के की रोटी को। इस पे जो है मैंने एक ट्रिक अपनाई है, जिसको भी मक्के की रोटी नहीं बनाने आती है ना, मक्के की रोटी बनाने में दिक्कत आती है क्योंकि मक्के की रोटी जो है बार बार टूट जाती है। तो इस ट्रिक से जो है कोई भी आसानी से रोटी को आसानी से बना सकता है। मैंने एक पॉलीथीन लिया था, उसको अच्छे से वॉश करके उस पे जो है ऑयल लगा दिया। और आटे को मैंने अच्छे से पहले गूंद लिया था, इसको मिक्स कर लिया था, और इसका पेड़ा बना के इसके ऊपर रख दिया। फिर इसको धीरे धीरे इसका ऊपर प्रेस करके इसको अच्छे से गोल कर लिया। और यहाँ पर बन रही है खीर, मम्मी जी बना रही हैं साथ में खीर, क्योंकि आज है पंचमी, तो आज जो है खीर वगैरह भी चढ़ाई जाती है। तो देख सकते हो आप किस तरह से ये गोल हो गई है बिल्कुल। और बहुत ही इजी है ये रोटी बनाना, तो आप भी ट्राई करना, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ऐसे हमारे घरों में तो चलो चूल्हे पे रोटी बनती है, तो मोटी भी बन जाए थोड़ी तो पक जाती है अच्छे से, लेकिन गैस पे जो है ना पतली रोटी बनानी पड़ती है, नहीं तो अच्छे अंदर से बिल्कुल कच्ची रहती है। इसलिए इसको इस तरीके से जो है बिल्कुल परफेक्ट पतली रोटी बना सकते हैं। तो यहाँ पे कर रहे थे मम्मी जी पूजा की तैयारी और फूल तोड़ रहे थे। और ये है जी तिल का पौधा, मैं आपको दिखा रही थी, एक ही था ये। ये होते हैं तिल, ऐसे होते हैं। और आगे जो है मम्मी ने ये पानी से साफ कर दिया था। और अभी जो है इसमें जो तीन नाग बनाए जाएंगे, एक सिंदूर से बनाया जाएगा और आटे से, और एक जो है एक कोयले से बनाया जाता है। कोयले को पहले अच्छे से पीस लेते हैं और उसका एक नाग बनाया जाता है। ये जो है तीन जगह नाग बनाए जाएंगे, एक तो आंगन में और फिर बरामदे में और फिर कमरे में बनाए जाते हैं, और इनकी जो है पूजा की जाती है। कहते हैं कि आज जो है शिव भगवान जो है अपने नाग जो अपनी झोली में डाल लेते हैं, और यहाँ पे नागों की पूजा की जाती है। तो मम्मी जी बना रहे हैं, अभी बरामदे में आ गए हैं, बरामदे में बनाएंगे और फिर बनाएंगे कमरे में। तो आगे जो है मम्मी जी ने बहुत ही सुंदर गाना गाया है, बहुत ही प्यारा, पहाड़ी जो हमारी लोकल कांगड़ी भाषा है उसमें गाया है। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भी कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में कि कैसा वीडियो लगा आपको। तो इसके बाद जो है ये जो है गणेश चतुर्थी के बाद ही मनाया जाता है, और आज भी मेला होगा पंचमी के दिन भी, और सप्तमी के दिन भी जो है मेला होता है, सती का मेला बोलते हैं और पंजी का मेला। से जो है तीन नाग अंदर बनाए जाएंगे और फिर इन तीनों नागों को चढ़ाया जाएगा दूध, दही, खीर और चूरमा। दामोद मिया बगल गांधी जांदी हो, कोई भरोसा नहीं है वो दामा आए ना आए। दामोद मिया ताल दो आंदी जांदी ओ ताला, नौना ना मिले आ। दामोद मिया ताल दो आंदी जांदी ओ ताला, नौना ना मिले आ। इना दमांदा कोई भरोसा नहीं है ओ दामा आए ना आए। दामोद मिया मैल बनांदी जांदी ओ मेला, रहना ना मिले आ। दामोद मिया मेल बनांदी जांदी ओ मेला,
रैना ना मिले इना दमांदा कोई भरोसा नहीं है ओ दामा आए ना आए। तो ये गाना जो है मम्मी जी ने अभी गाया ये हमारी लोकल भाषा कांगड़ी में है। तो इस गाने का अर्थ यही है कि हम लोग जो हैं पूरी ज़िंदगी धन संपत्ति इकट्ठे करने के लिए लगा देते हैं और महल जैसे घर बनाते हैं रहने के लिए, लेकिन इन दमों का, दमों से मतलब है कि सांसों का कोई भरोसा नहीं होता है कि सांस कब आए और कब रुक जाए, और यहीं पे सब कुछ रह जाता है। इस गाने में यही बताया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। सर सबसे पहले यहाँ पे दही चढ़ाया जाएगा और दूध, खीर, फिर घी चढ़ाया जाएगा और मक्के की रोटी से जो हमने चूरमा बनाया था ना वो भी साथ में चढ़ाया जाएगा। अभी जो है घी इनको चढ़ा रहे हैं और साथ में लगाया जाएगा सिंदूर का टिक्का और पूजा की जाती है फिर इनकी। तो अभी हम जाएंगे आगे खेतों में क्योंकि वहाँ पे भगवान जी को वहाँ पे भी हैं तो वहाँ पे भी चढ़ाया जाएगा। हिमाचल में भी हर जगह ऐसा रीति रिवाज नहीं होता, हो सकता है कई जगह पे ऐसे पंचमी को मनाया जाता हो और नहीं भी मनाया जाता हो। तो चलिए मैं भी साथ में जा रही हूँ मम्मी जी के साथ, और ये साथ में ही घर है हमारे, साथ में ही गाँव में भी इकट्ठे इकट्ठे घर है यहाँ पे, और ये मिर्चें वगैरह लगाई हुई हैं और ये सारे मक्की के खेत हैं और देख सकते हो ये है हल्दी, हल्दी लगाई हुई है। तो ऐसे हैं जी कुछ हिमाचली रीति रिवाज। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और वीडियो में कोई कमी लग रही है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ऐसा है यहाँ का व्यू, सारे यहाँ पे खेतों पे ज़्यादातर मक्की हुई लगाई हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का, आज का वीडियो मेरा यहीं तक था।